सांसद आजम खान और मुरादाबाद सांसद एसटी हसन व आजम खान के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम खान समेत सात पर पूर्व सांसद अभिनेत्री जयप्रदा पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर भाजपा कार्यकर्ता मुस्तफा हुसैन ने थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज कराया है। मुस्तफा हुसैन के मुताबिक रामपुर के थाना सिविल लाइन्स में मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष फिरोज खान समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें 30 तारीख की रात को मुरादाबाद के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में डॉक्टर एसटी हसन ने दो बार सांसद रही अभिनेत्री जयप्रदा के विरुद्ध अश्लील और अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसमें रामपुर के लोग बहुत दुखी हैं, इसको लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। सभी आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स में 354, 294, 504 और ITA में मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे रामपुर से मुजासिम खान की एक खास रिपोर्ट। पार्टी सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब, रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान साहब, स्वार के विधायक अब्दुल्ला आजम, संबल के सापा जिला अध्यक्ष फिरोज खान सहित सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्योंकि 30 तारीख की रात को मुरादाबाद के मुस्लिम इंटर कॉलेज में डॉक्टर एसटी हसन साहब ने रामपुर से सांसद रहीं दो बार, एक बार राज्यसभा सांसद रहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रहीं, फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा जी के खिलाफ अश्लील और अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे रामपुर जनपद के लोग और हम बहुत दुखी हैं। इसी मामले को लेकर हमें रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रामपुर के थाना सिलाइंस में सभी के खिलाफ धारा 354, 294, धारा 500, 504 और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ये दिनांक 30/6/2019 को मुस्लिम डिग्री कॉलेज में ये रात्रि भोज का प्रोग्राम था, जिसमें ये सभी लोग सम्मिलित थे। वहाँ पर इनके द्वारा माननीय जयप्रदा जी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके संबंध में मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद, जो निवासी आवास विकास कॉलोनी रामपुर के हैं, इनके द्वारा मोहम्मद आजम खां, एसटी हसन साहब, इन करीब सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। और ये मुकदमा जो है 354, 594, 504 और 66 आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इसमें विवेचना की जाएगी, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी।